प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, बीसीएससी वाले जितने भी छात्र थे सारे परेशान चल रहे थे, क्योंकि उनका काउंसलिंग अभी तक प्रारंभ नहीं हुई थी, तो वो नोटिस निकल के आ गई है आपके बोर्ड। मैं पहले ही बोल दिया था कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि बोर्ड आपका जो है पूरी तरीके से तैयार है कि आपकी काउंसलिंग हो लेगी, और आज अंततः आपका जो है काउंसलिंग डेट निकल के आ गई है। और ऐसे ध्यान रखना है कि इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहना है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि काउंसलिंग सावधानी पूर्वक कैसे करें। तो मैं पहले कहाँ जा रहा हूँ, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपकी काउंसलिंग कब से प्रारंभ है। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका बीसीएससी है उसे हम लोगों ने ओपन करने का काम किया, ये ओपन हो गई है। और जैसे आप चलोगे सर चौथे नंबर जो ये नोटिस निकल के आई है, ये चौथे नंबर नोटिस सर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, डिटेल्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ बीसीएससी। जैसे इसे आप ओपन करोगे तो सारा डेट निकल के आ जाएगी कब से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ है, कब तक काउंसलिंग आपकी चलनी है। और पुनः मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये चीज आपको ध्यान रखने का काम करना है। और हमारे द्वारा अर्थात आपका स्मार्ट गुरुकुल जो सर नंबर वन चैनल जो बनाने का आपने काम किया है, ये संस्थान इस बार हम लोग बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा एक अलग ही हम लोगों ने सोचा कि बच्चे का काउंसलिंग के कारण किसी का जो ऐसा ना हो गवर्नमेंट कॉलेज उनका रुक जाए, इसलिए हम लोग के द्वारा हमारे यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनके द्वारा और जो गवर्नमेंट कॉलेज के शिक्षक हैं उनके दिशा निर्देश पर आपका काउंसलिंग सर हम लोग यहाँ करने का काम करते हैं। ये प्रोसेस क्या है मैं बात करूंगा, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका डेट। तो सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स पोस्ट कर दी गई 17 तारीख को। और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, अर्थात कब से काउंसलिंग होनी है, तो बोलोगे 18 तारीख से काउंसलिंग आपकी प्रारंभ होनी है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग आल्सो, ये कब से 22 तक, अर्थात 18 से 22 आपकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है। बाकी उसके बाद भी चीजें भी है कि फर्स्ट राउंड जो रिजल्ट आपकी आनी है, जो सीट अलॉटमेंट होनी है, वो 26 को होनी है, और उसके बाद बाकी से चीजें दे दिया गया आपको। तो काउंसलिंग बेसिकली कब से प्रारंभ है आपका, तो बोलोगे सर 18 से कब तक, 22 तक, काफी कम समय। सर अभी मैं आपको बता रहा था कि काउंसलिंग सावधानी पूर्वक कैसे करनी है। तो सावधानी पूर्वक काउंसलिंग करने के लिए यहाँ से अच्छा इस संस्थान से एक नंबर आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो कोशिश ये करना है कि इस नंबर पे एक बार एटलीस्ट आप लोग बात कर ले। एक बार अगर इसको नंबर पे अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको ये जानकारी दी जाएगी कि काउंसलिंग हम लोग जो है किस प्रकार से जो है आप तक आपकी करेंगे हम लोग। चूंकि मैंने पुनः बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ अर्थात आपके स्मार्ट गुरुकुल में जितने भी शिक्षक अनुभवशील शिक्षक है, साथ में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के शिक्षक है, सारे मिलकर हम लोग आपकी काउंसलिंग करने का काम करेंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज हम आपको दिला सके। ये नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।